हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेके बेस स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके ड्यूटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंदर आज हम लास्ट पार्ट करेंगे 150 एमसीक्यू सीरीज़ का। और अगर हम बात करें, अगर आप पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेके कॉन्स्टेबल की कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, यूनियन असिस्टेंट की कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले हमने 120 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। लास्ट पार्ट के अंदर हम 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं। वीडियो के एंड में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। तो करते हैं स्टार्ट, जहाँ पर आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा 121 रहेगा। इससे पहले हमने 120 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आज का 121 क्वेश्चन रहेगा। द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। तो वीमेन इंडियन एसोसिएशन जो बनाई गई थी, इसमें इसको कब, इसकी जो फाउंडेशन ईयर कौन सा था, 1947, 1937, 1927 या 1970 कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 का क्या आंसर रहेगा, जरूर आपको मैं 5 से लेकर 10 सेकंड जहां पे दूंगा, आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर रहेगा आपका आंसर, जहाँ पर डी बनेगा, दैट इज 1970। जो वीमेंस इंडियन एसोसिएशन थी, इसका जो फाउंडेशन ईयर था, इसको किया गया था, इसका फाउंड किया गया था 1970 के अंदर। देखिए ये 1970 के दौरान बनाई गई। अगर हम बात करें एग्जैक्ट डेट की, 8 मई 1970 इन अदियर मद्रास के अंदर एक मल्टी एथनिक ग्रुप आर वीमेन इस्टेब्लिश था, वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 122, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड ए लीगल राइट फ्रॉम ए फंडामेंटल राइट बाई विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। और जिसको लीगल जो राइट बनाया गया, जी कौन से अमेंडमेंट के दौरान इसको लीगल राइट बनाया गया, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 45th अमेंडमेंट या 77th अमेंडमेंट, कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर क्या रहेगा, सो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर यहाँ पे रहने वाला है, आंसर बनेगा बी, 44th अमेंडमेंट। और ये 44 अमेंडमेंट कब की गई थी, ये 44 अमेंडमेंट 1978 के दौरान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 123, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको कब अडॉप्ट किया गया, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1946 कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर क्या रहेगा, सो राइट आंसर आपका बनेगा आंसर बी, 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अडॉप्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 124, केसरी आर न्यूज़पेपर, केसरी एक न्यूज़पेपर है जो कि न्यूज़पेपर जो है बाय केसरी आर न्यूज़पेपर बाय फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक बास पब्लिश ऑन विच लैंग्वेज, ठीक है। केसरी न्यूज़पेपर किसका है, एक फ्रीडम फाइटर हमारे जो, जिसमें हमारी देश को आज़ाद कराने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने पब्लिश किया केसरी न्यूज़पेपर। बट आपने जहाँ पे बताना कि केसरी न्यूज़पेपर की लैंग्वेज क्या है, कौन सी लैंग्वेज में उसको इन्होंने पब्लिश किया, बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में या मराठी में, सो क्या रहेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर यहाँ पे रहने वाला है, आंसर बनेगा डी, मराठी में, ठीक है। जो केसरी न्यूज़पेपर था, ये मराठी लैंग्वेज में किया गया था और उसको पब्लिश किया गया था किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किस लैंग्वेज में, मराठी। क्वेश्चन नंबर 125, एनी बेसेंट वाज एसोसिएटेड विद, एनी बेसेंट किससे एसोसिएटेड है, खिलाफत मूवमेंट से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से या होम रूल लीग से। इसका सीधा आंसर आपका क्या रहेगा 125 का, 125 का सीधा सा सिंपल सा आंसर बनेगा आपका आंसर डी, होम रूल लीग। क्वेश्चन नंबर 126, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा जो फेमस सॉन्ग है, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया, जयदेव के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, रविंद्र नाथ टैगोर, ये जिसका आंसर क्वेश्चन नंबर 126 का। सो 126 का आंसर रहने वाला है जहाँ पे, सो 126 का आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका सही बनेगा मोहम्मद इकबाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोलते हैं, राजा राम मोहन रॉय को बोलते हैं,
स्वामी दयानंद सरस्वती को, श्री अरविंदो को, भगत सिंह को, कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर रहेगा, यहाँ पे आंसर बनेगा ए राजा राम रॉय। ठीक है, राजा राम रॉय। ठीक है, राजा राम रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ ब्रह्मो समाज बोलते हैं इनको। इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज एज मेकिंग सोशल इंस्ट्रक्टिव एंड पोलिटिकल चेंजेस। स्वामी दयानंद सरस्वती आप सभी जानते हैं, आर्य समाज के फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 128, द गांधी अर्बन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडिया। गांधी अर्बन पैक्ट इसमें से किस जो मूवमेंट से एसोसिएटेड है, रोलआउट, सिविल डिसोबीडेंस, नॉन कॉपरेशन। ठीक है, जहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा हुआ है ये रोलआउट नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे सिविल डिसोबीडेंस, ये दोनों हैं, तीसरे नंबर पे नॉन कॉपरेशन, फोर्थ नंबर पे क्विट इंडिया। की जिसका आंसर क्वेश्चन नंबर 128 का, 128 का क्या आंसर रहेगा, तो राइट आंसर यहां पे रहने वाला आंसर बी, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, एग्रीमेंट बाद साइन किसको, इसके द्वारा एग्रीमेंट जो किसके द्वारा साइन किया गया था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के द्वारा। जब पैक्ट इसको पैक्ट को साइन किया गया था 5 मार्च 1931 को, अरेंज बिफोर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। एज पर गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी डिसकंटिन्यू किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और जहां पे एग्री हो गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 129, विच इंडियन अकेडमी इज प्रमोटिंग डांस ड्रामा एंड म्यूजिक। कौन सी इंडियन अकेडमी जो है प्रमोट करती है डांस ड्रामा एंड म्यूजिक को, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत अकेडमी। कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर कीजिए। सो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आंसर आपका डी, संगीत अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी ये एक नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा है। इस द नेशनल लेवल अकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी फॉर्मेशन की गई थी 1953 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली में। कीजिए क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर। दांडिया जो है एक पॉपुलर डांस है। दांडिया कौन से स्टेट का है, गुजरात का है, पंजाब का है, तमिलनाडु का है, या महाराष्ट्र का है। कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर क्या रहेगा, 130 का आंसर यहाँ पे रहने वाला आंसर बी, दैट इज गुजरात। पंजाब फोक डांसेज आप देख सकते हैं, भांगड़ा गिद्दा। क्वेश्चन नंबर 131, सतारिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। सतारिया जो कौन सी स्टेट का क्लासिकल फॉर्म डांस है, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, या आंध्र प्रदेश। कीजिए इसका आंसर। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर रहेगा आंसर सी, दैट इज असम। क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु, सदर्न इंडिया का। उसके बाद कथक यूपी का, ओडिसी ओडिशी ओडिशा का है। उसके बाद मणिपुर, मणिपुरी जो है डांस वो मणिपुर का है। उसके बाद कथकली डांस जो है केरला का है, और मोहिनीअट्टम जो डांस है भी केरला का है। उसके बाद कुचिपुड़ी डांस जो है आंध्र प्रदेश का है, सतारिया असम का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिकल डांसेज जो है इंडिया के, ये आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमेटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा कब फर्स्ट जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन उसको कब पब्लिश किया गया था, जून 1948, मई 1948, जनवरी 1948, या फेब 1948। कीजिए इसका आंसर। सो विच विल बी द राइट आंसर, राइट आंसर ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो कमेटी थी इसको अपॉइंट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद जो कमेटी थी इसको चेयर किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जी के द्वारा, हु इज कंसीडर्ड द चीफ आर्किटेक्ट बोलते हैं इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 133, वट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी का क्या मीनिंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, लैक ऑफ इक्वालिटीज़ है, लैक इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या नॉन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या रहेगा, 133 का आंसर हाँ यहाँ पर रहने वाला आंसर सी, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 134, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड।
फंडामेंटल राइट जो है ये आप देख सकते हैं, जो जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके ड्यूटी है, जो पीछे क्वेश्चन जो पूछे गए, ठीक है, इसमें ये नहीं सोचना कि जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके ड्यूटी है तो उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन होंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके ड्यूटी एक कंपोनेंट है, उसमें आपको हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, आपको ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी, आपको जेएनके भी पूरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो कौन से पार्ट में है फंडामेंटल राइट्स? सो आंसर आपका सीधा बनेगा बी, पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में है हमारे फंडामेंटल राइट। उसके बाद फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। बीच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवॉलिश अनटचेबिलिटी, कौन सा आर्टिकल जो है अवॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को? आर्टिकल 18, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 17? कीजिए इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर जहाँ पे रहने वाला है, आंसर बनेगा आपका डी, दैट इज आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 अवॉलिश अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 136, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज वाज मेड अ फंडामेंटल राइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, इसको कौन से अमेंडमेंट के दौरान फंडामेंटल जहाँ पे राइट बनाया गया, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? 82, 83, 84 या 86? सो राइट आंसर जहाँ पे रहेगा आंसर आपका डी, दैट इज 86, ठीक है। 86 अमेंडमेंट कब हुई थी? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे बताई गई है? 45A के अंदर, 51A के अंदर, 42 आर्टिकल के अंदर या 30B के अंदर? सो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा जहाँ पे डी, बी इसका 51A के अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज 51 आर्टिकल 51A के अंदर आती है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मैंशन इन कौन से पार्ट में मैंशन है? पार्ट फोर्थ ए में, पार्ट फोर्थ में, थर्ड में या पार्ट सिक्स में? कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका जहाँ पे रहने वाला है आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, दैट इज पार्ट फोर्थ ए। ये भी आपका पॉलिटी का ही क्वेश्चन है जो जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया, जेके स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके ड्यूटी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट? जब आपको विलेज पंचायत की बात करेंगे या सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे, आर्टिकल 40 का आंसर रहेगा, आर्टिकल 40 आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डीपीएसपी? डीपीएसपी कौन से पार्ट में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो आंसर रहेगा आपका आंसर यहाँ पे डी, पार्ट फोर्थ। पार्ट फर्स्ट में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप। पार्ट थर्ड में आपका फंडामेंटल राइट। पार्ट फोर्थ में आपका डीपीएसपी। और पार्ट जे आपका जो डीपीएसपी है ये कहाँ से बारू किया गया? आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 141, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया का? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कोल है, कन्याकुमारी या कवितु? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर क्या रहेगा? आंसर आपका बनेगा डी, इसको बोलते हैं कवितु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इंदिरा पॉइंट जो है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो सीधा आपको बताइए आप सदर मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो सदर मोस्ट पॉइंट आपका बनेगा अंडमान निकोबार आइलैंड में। इंदिरा कोल आपका लद्दाख के अंदर है, जो आपका नदर मोस्ट पॉइंट है। फिर आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर, आपका मेनलैंड का सदर मोस्ट पॉइंट, ठीक है, कन्याकुमारी। और कवितु जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और गुहार मोती आपको याद रखना है, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 142, 9° चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनी कॉय ग्रेट निकोबार को करता है, लक्षद्वीप एंड मिनी कॉय को करता है, लिटिल अंडमान एंड मिनी कॉय को करता है, या नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान? ये चीज़ का आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर क्या रहेगा? सो क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर यहाँ पे रहने वाला है, आंसर आपका बनेगा बी, बी इसका राइट आंसर है, यानी कि लक्षद्वीप एंड मिनी कॉय। लक्षद्वीप एंड मिनी कॉय, लिटिल अंडमान एंड मिनी कॉय, या नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान? कीजिए 9° चैनल के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सो 142 का आंसर क्या रहेगा? 142 का आंसर आपका जहाँ पे बी रहने वाला है, लक्षद्वीप एंड मिनी कॉय। 8° चैनल जो सेपरेट करता है, ये करता है मिनी कॉय मालदीव्स को। 9° चैनल सेपरेट करता है मिनी कॉय लक्षद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 143, ये डेमोग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, विच पीरियड इज रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कौन सा पीरियड रहा है? 1901 से लेकर 1921, 1921 से लेकर 51, 51 से लेकर 1981, या 1981 से लेकर 2001? ये जिसका आंसर। सो राइट आंसर जहाँ पे रहने वाला 143 का, आंसर आपका सी बनेगा जजिस,
1951 से लेके 1981। इसको बोलते हैं इट वाज फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ रेट। क्वेश्चन नंबर 144, जो टर्म मॉनसून है जिस ड्राइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? जो टर्म मॉनसून है ये अरबिक वर्ड से ड्राइव किया गया, इसका मीनिंग क्या है? सीजन है, रेन है, विंड है, या हॉट है? सो 144 का आंसर यहाँ पे रहने का वाला है आंसर, इसको बोलते हैं सीजन। मानसून जो है सीजनल, इज अ सीजनल चेंज है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रीवेलिंग आर स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स ऑफ ए रीजन। क्वेश्चन नंबर 145, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, नेशनल हाईवे 44, 52, 9 या 348। सीधा आंसर आपका ये बनेगा नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे कहाँ से स्टार्ट होता है? श्रीनगर इन कश्मीर एंड एंड स्टार्ट कन्याकुमारी तमिलनाडु। टोटल डिस्टेंस कितना है? 4112 किलोमीटर। वो जो हाईवे कनेक्ट करता है फाजिलका इन पंजाब एंड मांडा इन उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 146, द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये आपका क्वेश्चन जो है JKSSB की फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया था। जो टर्म वैक्सीन है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, लुइस पीटर ने किया था, या बॉन बेरिंग ने किया था? सो 146 का आंसर जहाँ पे रहेगा, आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए, ठीक है? तो ए इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर। एक सेकंड, इसका आंसर क्या बनेगा आपका? इसका आंसर आपका जहाँ पे ए बनेगा, यानी कि एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपके JKSSB की फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया था। इन विच स्पेयर अजोन डिप्लेशन इज फाउंड, अजोन डिप्लेशन कौन से स्पेयर में पाई जाती है? आइनोस्फीयर, स्टेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर या टेटोस्फीयर? सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आंसर बनेगा बी, स्टेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 148, हु वाज द फाउंडर ऑफ कश्मीरी शॉल? कश्मीरी शॉल के फाउंडर कौन थे? औरंगजेब, शाहजहां, जैनुल आबिदीन या मुमताज महल? सो 148 का आंसर क्या रहेगा? 148 का जहाँ पे आंसर रहने वाला है, आंसर आपका बनेगा जहाँ पे सी, दैट इज जैनुल आबिदीन। कश्मीरी शॉल टाइप ऑफ वूलन शॉल वूवन इन कश्मीर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, द फाउंडर जो थी इस इंडस्ट्री के वो थे जैनुल आबिदीन। 15th सेंचुरी रूलर जो थे, 15th सेंचुरी के जो रूलर थे कश्मीर के, हु इंट्रोड्यूस बीवर फ्रॉम तर्किस्तान। क्वेश्चन नंबर 150 आज का लास्ट क्वेश्चन, वेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश? जो ट्रीटी हुई थी अमृतसर की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन की गई थी गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह को और ब्रिटिश के द्वारा, ये कब की गई थी? 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च या 17 मार्च? सो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर आपका सी बनेगा, 16 मार्च 1846, ठीक है? तो जहाँ पे 16 मार्च, इसको कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने, 16 मार्च है, ठीक है? 16 मार्च 1846। ये ट्रीटी जो थी अमृतसर की, ये मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द डोगरा रूल इन कश्मीर ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो सिख वार, महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया था? हेल्प की गई थी ब्रिटिश एम्पायर की अगेंस्ट द सिख आफ्टर द डिफीट ऑफ द सिख एम्पायर। जो ट्रीटी थी लाहौर की, ये कब हुई थी? 9th मार्च 1846। और जो ट्रीटी अमृतसर की हुई थी, ये 1846 के अंदर हुई थी, 16 मार्च 1846 को, ठीक है? इसको साइन किया गया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो भी हमने आज 30 MCQs किए हैं, आप वीडियो के अंदर में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज के क्वेश्चन कितने रहे हैं। और आज इस वीडियो के बाद हमारे जो है 150 MCQs की जो सीरीज जो थी JK भी स्पेशल एफर्ट स्टूडेंट की वीडियोज़ को हमने कवर कर लिया। तो ये थी फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।